नमस्कार दोस्तों, वशीकरण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में कि हिंदू धर्म में दीपक जलाने का क्या महत्व होता है और कौन से आटे का दीपक जलाने से हम लोगों को क्या लाभ प्राप्त होता है। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा, आरती और अनुष्ठान करने के साथ साथ दीपक जलाने की भी एक खास परंपरा है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि दीपक प्रज्वलित करने के दौरान उस जगह का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। इसके अलावा मिट्टी और आटे का दीपक जलाने की भी परंपरा सदियों पुरानी है। इन दोनों प्रकार के दीपक जलाने का अलग अलग महत्व है। आटे के दीपक को बेहद पवित्र और शुद्ध माना गया है। माना जाता है कि आटे के दीपक को जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन से आटे का दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है। कई प्रकार के आटे के दीपक जलाने का महत्व है, जिसे जानना हम लोगों के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। कौन से आटे का दीपक जलाने से क्या लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं गेहूं के आटे के दीपक के बारे में। यदि आप किसी वाद विवाद जैसी समस्याओं में उलझ जाते हैं या उलझे हुए हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पूजा करने के दौरान गेहूं के आटे का दीपक जलाना चाहिए, आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आपको वाद विवाद जैसी समस्याओं से छुटकारा आसानी से मिल जाता है। घर की सुख शांति को बनाए रखने और घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए पूजन के दौरान मूंग के आटे का आपको दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और दरिद्रता दूर होती है। आइए अब बात करते हैं उड़द के आटे के दीपक के बारे में। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पूजा पाठ के दौरान उड़द के आटे का आपको दीपक जलाना चाहिए, आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दीपक जलाने के नियम के बारे में। यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आटे का दीपक बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में आपको जलाना चाहिए। इसे आप 1 से 11 दिन तक जला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक दीपक से शुरुआत करते हुए आप 11 दिनों तक जला सकते हैं। अगर आप घटते क्रम में दीपक जला रहे हैं, तो पहले दिन आपको 11 दीपक जलाने चाहिए और फिर ऐसा करते हुए आखिरी दिन 1 दीपक आपको जलाना चाहिए। इस प्रकार से आप दीप जलाने के नियम का पालन करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।